वेल, वैशाली टक्कर ने जिस तरीके से अचानक से सुसाइड कमिट कर लिया, उस वजह से वैशाली के पिता, माँ, फैमिली, दोस्त, कॉलीग्स जो फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, जो उनके अदरवाइज भी फ्रेंड्स हैं, उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा है। क्योंकि दिसंबर में वो शादी करने वाली थी कैलिफोर्निया बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, और उनका शादी का प्रिपरेशन भी चल रहा था। इनफैक्ट वो मुंबई आने वाली थी दिवाली के बाद शॉपिंग करने के लिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कई सारे दोस्तों से बात की हुई थी उनके गुजरने के, उनके सुसाइड करने के 1-2 दिन पहले, और तभी किसी को भी कुछ भी वियर्ड नहीं लगा। इनफैक्ट वो अच्छी तरीके से स्माइल करते हुए बात कर रही थी। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू कम टू मुंबई। काफ़ी महीनों से वो इंदौर में उनके घर में थी, लेकिन वो मुंबई आने वाली थी। काफ़ी सारे प्लान्स थे उनके, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके से जो एक एक्सट्रीम कदम वैशाली ने उठाया, उस वजह से कई लोगों को झटका लगा है। और ऐसे में उनके ये रिश्ता क्या कहलाता है कि को स्टार जो थे रोहन, उन्हें भी एक बड़ा झटका लगा है। चलिए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वेल, बता दें कि रोहन मेहरा जो है उनके साथ उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता में काम किया, जहाँ से वैशाली ने अपना डेब्यू किया था इंडस्ट्री में। उन्होंने बताया कि रोहन ने बताया कि कई सारी बातें जो है वैशाली उनके साथ किया करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी उनकी शादी होने वाली थी। इनफैक्ट रोहन कहते हैं कि वैशाली ने रोहन को शादी के लिए इनवाइट भी किया था, एंड रोहन शादी में जाने भी वाले थे वैशाली के, जो दिसंबर में होने वाली थी। और रोहन कहते हैं कि हम जाने वाले थे शादी में, और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ऐसा कैसे हो गया इतना सब अचानक। 2 दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई थी, एंड वो बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, कहीं पे भी मुझे वो अपसेट नहीं दिखाई दी। एंड वो पिछले कुछ महीनों से अपने परिवार के साथ रह रही है। इनफैक्ट वो मुंबई 5 और 6 अक्टूबर को आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो कैंसिल हो गया, और इस वजह से हमारी जो प्लानिंग थी मिलने की, वो पोस्टपोन हो गई। हमने फ़ोन पे कई बार बात की है, इनफैक्ट 1-2 दिन पहले भी मैंने बात की थी, एंड बहुत अच्छे से वो मुझसे फ़ोन पे बात करी थी। इनफैक्ट हमने कई सारे जोक्स मारे, और उस जोक पे वो हंसती हुई भी नज़र आई। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड टू बिलीव हो रहा है कि वैशाली सुसाइड कर सकती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपको बता दें कि जो पुलिस को सुसाइड नोट मिली है, उसमें वैशाली ने लिखा हुआ था कि आई क्विट माँ, मैं जा रही हूँ। और राहुल करके जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे, उनके नेबर थे, वो उसे पिछले कई सालों से, 1.5 साल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.5 ढाई साल से तंग कर रहे थे, हरास कर रहे थे। और उस वजह से वैशाली ने ये बड़ा कदम उठाया, इस तरीके से उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। पुलिस अब इस पूरे चीज़ की छानबीन कर रही है, क्या सच है क्या नहीं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। वेल, ऐसे ही अलग अलग लोग सामने आ रहे हैं, सेलिब्रिटी सामने आ रहे हैं जो वैशाली के दोस्त या कॉलीग होते थे, और सबको कहीं ना कहीं झटका लग रहा है कि वैशाली इस तरीके से अपनी ज़िंदगी कैसे ले सकती है। वेल, हम यही कहेंगे कि उनके परिवार को इस बुरे वक्त से बाहर निकलने के लिए शक्ति मिले, और वैशाली की आत्मा को शांति मिले।